नैनीताल से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, जहां नैनीताल के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में छोटी बच्ची समेत एक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक यहां एक परिवार अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए घर से निकला था, वहीं अचानक गाड़ी चला रहे सूरज ने एक गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क के नीचे गिर गई। वहीं गाड़ी गिरते हुए निचली सड़क पर आकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं घायल 4 लोगों को सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया। बता दें कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है उसमें से एक 7 साल की बच्ची पीहू भी थी। छतोल निवासी बहादुर राम ने बीते रोज सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी और आज सुबह वही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सूरज कुमार सहित 7 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य लाखन नेगी और प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लाखन नेगी ने कहा कि मेरी संवेदना दुखी परिवार और घायलों के साथ है, दुखी परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास करूंगा, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्होंने आगे कहा कि आपदा के दौरान उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, उसी क्षतिग्रस्त मार्ग से आज बहादुर राम की गाड़ी नीचे गिर गई और जिसमें उन्होंने अपने बेटे सहित नातनी को खो दिया।